तो अगले एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ब्लैंक लाइन हमने ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं कि मेरे डेटा में बहुत सारे ब्लैंक लाइन है। जब ये बड़ा डेटा होगा और बहुत ज़्यादा होगा तो इसको लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कि इसको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद फिर इसको ब्लैंक को सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्लैंक है वो बिना दिक्कत किए हुए डिलीट हो, क्योंकि अगर आप फिल्टर में डिलीट करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ब्लैंक माने कि ब्लैंक डिलीट के चक्कर में आपका पीछे का डेटा भी डिलीट हो जाता है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं डेटा को, पूरे डेटा को, और फिर हम सिंपल सा शॉर्ट करते हैं किसी भी एक रो के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने डेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया तो देखिए कि आपका डेटा पूरा आ गया, लेकिन यहां आपके सामने जो ब्लैंक है वो नीचे हो गया। यहां पे ब्लैंक आपका डिलीट नहीं हुआ, ब्लैंक इसके नीचे 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 आता चला गया। तो यहां पे एक बेनिफिट आपका हुआ।